नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को मूंग की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। गर्मा मूंग, इसके उन्नत प्रजातियाँ हैं पूसा विशाल, जिसके कटनी का समय 65 से 70 दिनों का है। इसकी जो उपज है वो 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी खेती पूरे बिहार में की जाती है और इसकी बुआई का जो समय है वो 10 से 31 मार्च के बीच का समय है। इसका जो दाना वो बड़ा दाना होता है और ये रोग रोधी है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें बहुत अधिक है। और दूसरी प्रजाति है सम्राट, इसकी भी कटनी की जो समय है वह 60 से 65 दिनों पर है। इसकी जो उपज होती है वो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो क्षेत्र है वह उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार है। बुआई का समय जो है वो 15 मार्च से 10 अप्रैल तक है। ये पीला मोगेक वायरस रोग रोधी है। तीसरा जो है वह सोना है। सोना, इसके भी कटनी का जो समय है वो 60 से 65 दिनों पर है। इसकी उपज जो है वो 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो बुआई का समय है वो 15 मार्च से 10 अप्रैल तक आप इसको बो सकते हैं। चौथी जो प्रजाति है वो PS16 है। कटनी 70 से 75 दिनों पर, उपज जो है इसकी वो 10 से 12 क्विंटल पर प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो क्षेत्र है वो संपूर्ण बिहार है। बुआई पूरा मार्च में आप इसे बो सकते हैं। एक और प्रजाति है दोस्तों, ये है SML 668। कटनी का इसका समय है 60 से 65 दिनों पर। उपज क्षमता है इसकी 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बुआई का जो समय है दोस्तों वो है 15 मार्च से 10 अप्रैल तक। और दाना जो है इसका वो बड़ा होता है और ये पीला मोज़ेक वायरस रोग सहिष्णु है। गेहूं के बाद बुआई हेतु विशेष उपयुक्त किस्म है ये, यानी कि दोस्तों SML 668 अब गेहूं के कटने के तुरंत बाद लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों बुआई विधि के बारे में जान लेते हैं। बीज की मात्रा कितनी होगी? अगर आपने छोटे दाने वाले मूंग को चुना है तो इसकी जो बुआई के लिए जो बीज दर होगी वो होगी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर आपने बड़े दाने की बुआई के लिए चुना है तो फिर उसके लिए 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई की जो दूरी पर ध्यान दें दोस्तों, बुआई की जो दूरी होनी चाहिए वो 30 से 30x7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीजोपचार के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये राइजोबियम कल्चर का व्यवहार है। MG 5 पैकेट पर हेक्टेयर लगेगा आपका। ये खाद की जो मात्रा होगी 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम स्फुर पर हेक्टेयर। तो दोस्तों ये थी जानकारी गर्मा मूंग के बारे में और इसकी खेती आप कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरह की अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और उसी के अनुसार नई जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में शेयर की जाएगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार।